केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी स्वामित्व योजना के तहत उधमसिंह नगर जिले के 532 राजस्व गांवों का चयन किया गया है। ड्रोन के जरिए हुए सर्वे के आधार पर तैयार अभिलेख के अनुसार 53,654 लोगों को स्वामित्व योजना के तहत मालिकाना हक का लाभ मिलेगा। जिला प्रशासन की ओर से अब तक 51,540 लोगों को स्वामित्व प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। पेश है एक रिपोर्ट। 24 अप्रैल 2020 को देश के 6 राज्यों के 763 गांवों में शुरू हुई स्वामित्व योजना से आज हजारों लोग लाभान्वित हो रहे हैं। उधमसिंह नगर जिले में 51,540 लोगों को इस योजना के तहत स्वामित्व कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। जिले के अपर जिलाधिकारी वित्त ललित नारायण मिश्र ने बताया कि शेष बचे 2,114 मामलों में 601 मामले ऐसे हैं जिनमें स्वामित्व कार्ड को लेकर लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई है। इसका निपटारा 2 हफ्ते के अंदर कर दिया जाएगा, जबकि 1,513 मामले सरकार से संबंधित हैं। इसमें 2,114 अभिलेख अवशेष हैं, जिसमें 601 ऐसे हैं जिनमें कुछ डिस्प्यूट्स हैं और 1,513 अभिलेख ऐसे हैं जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के हैं। तो ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स वाले, चूंकि अभिलेख तहसील और तहसील या कंसर्न डिपार्टमेंट को जाने हैं, 532 राजस्व ग्रामों में हमारा ड्रोन सर्वे हुआ था और उसके आधार पर जो अभिलेख तैयार किए गए वो 53,654 अभिलेख तैयार किए गए। 532 के 532 गांव पूरे कवर हो गए। ग्रामीण किसानों को मिले स्वामित्व प्रॉपर्टी कार्ड पर ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। ग्राम रामनगर किच्छा निवासी शैल कुमार सिंह का कहना है कि स्वामित्व योजना से ग्रामीणों को लाभ पहुंचा है। मोदी सरकार ने जो चलाया है प्रधानमंत्री योजना, ये स्वामित्व योजना, इससे बहुत ही लाभ लोगों को, हमारे जैसे करोड़ों लोगों को लाभ हुआ है। इस जमीन को हम बैंक से लोनिंग भी करा सकते हैं, अच्छा मकान बनवा सकते हैं, इससे बहुत ही लाभ हुआ है। भमरौला ग्राम सभा के रहने वाले राम कुमार पांडे ने बताया कि सरकार ने स्वामित्व योजना के तहत उनके पिता दयाशंकर पांडे के नाम का स्वामित्व अभिलेख दिया। इस अभिलेख के आधार पर उन्हें मालिकाना हक मिल गया है। सरकार स्वामित्व योजना के अंतर्गत मेरे पिताजी के नाम से की है। ये सरकार की बहुत अच्छी योजना है, जिससे हमें या और किसानों, सैकड़ों किसानों, हजारों किसानों को काफ़ी लाभ मिलेगा। जिसमें वो बैंक से इस पर लोनिंग करा सकते हैं और भी कोई भी काम कर सकते हैं। स्वामित्व योजना का उद्देश्य ग्रामीण आबादी के भूमि का लेखा जोखा एकत्र कर उस पर बसे लोगों को मालिकाना हक देने के साथ ही ग्रामीण अंचलों के विकास के लिए राजस्व एकत्र करना है। इससे भूमि विवाद के मामलों में भी कमी आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, देहरादून।